जय माता दी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और मैंने यहाँ बनाया है आलू की सब्जी, खीरे का रायता, आलू की कचौड़ी। आप भी इसी तरीके से व्रत के लिए बनाइए। तो चलिए मेरी किचन में। मैंने आलू उबालने रख दिए हैं। आलू जब तक उबलते हैं हम बनाते हैं खीरे का रायता। रायता बनाने के लिए दही को अच्छे से फेंट लीजिए। इसके बाद खीरे को कद्दूकस कर लीजिए और दही में मिक्स कर लीजिए। इसमें आधा चम्मच काली मिर्च डालिए, भुना हुआ जीरा डालिए, नमक डालिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए थोड़ा सा आप ऑयल या देसी घी ले लीजिए। जीरा और हरी मिर्च डाल के आप तड़का तैयार कर लीजिए और हरे धनिया से इसको गार्निश कीजिए। रायता बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे आलू की सब्जी व्रत के लिए। मैंने यह आलू उबाल लिए हैं, इनको अच्छे से मैश कर लिया है। टमाटर, काली मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च और सेंधा नमक। तो हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डाल के भून लीजिए। बारीक बारीक हरी मिर्च काट के भून लीजिए। इसमें बारीक बारीक टमाटर काट के डालिए। टमाटर को कुछ देर के लिए भूनिए जिससे कि ये गल जाए। टमाटर गलने के बाद अब हम इसमें आलू मिक्स करेंगे। इसको सबको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। आलू मिक्स करने के बाद अब इसमें काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और सेंधा नमक डाल के आप इनको दोबारा मिक्स कीजिए और इसमें दो कटोरी पानी ऐड कीजिए। पानी डालने के बाद अब हम इसको ढक देंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए और उबालेंगे। आप देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, आलू बिल्कुल अच्छे से बन चुके हैं। अब ऊपर से धनिया इसमें बारीक बारीक काट के डाल दीजिए। आलू की सब्जी तैयार है। अब हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी व्रत के लिए। कचौड़ी बनाने के लिए उबले हुए आलू को कद्दूकस कर लीजिए। एक कटोरी सिंघाड़े का आटा, एक कटोरी कूटू का आटा, आप चाहो तो दोनों में से एक भी ले सकते हो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, आलू और आटे से ही आटा आपका अच्छे से गूंथ जाएगा। अब आप आटे पे एक चम्मच तेल लगा करके इसको रख दीजिए। तेल लगाने से आटा हाथों में नहीं चिपकता है। अब आटा बन चुका है। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। कचौड़ी बनाने के लिए अब आटे की एक छोटी सी लोई बना लीजिए। हाथों पे आपने तेल लगाना है जिससे कि हाथों पे आटा चिपकेगा नहीं। अब जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, हथेली और उंगलियों की सहायता से आप कचौड़ी इस तरीके से बना लीजिए। तेल गरम हो चुका है, अब हम कचौड़ी बनाएंगे। इसको तेल में अच्छे से तल लीजिए। एक साइड से कचौड़ी सिकने के बाद आप इसको पलट दीजिए। इसी तरीके से आप दूसरी कचौड़ी जब तक बना लीजिए। अब इस तरीके से सारी कचौड़ी बना के तैयार कर लीजिए। जब तक सारी कचौड़ियाँ बन के तैयार होती हैं, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए लाती रहूँ। हमारी कचौड़ियाँ बनकर यहाँ तैयार हो चुकी हैं। अब आप इसको निकाल के पहले माता रानी का भोग लगाइए और उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जय माता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।